صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وصحبه الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار صلوات پڑھ دیجئے جناب خوبصورت انداز سے تلاوت کلام پاک سے مجلس امام حسین کا آغاز ہو چکا ہے آج یکم محرم الحرام اور اسلامی کیلنڈر میں سال کا آغاز مگر اے نئے سال تیری خوشیاں منا نہیں سکتے رسول روئے جہاں مسکرا نہیں سکتے ہمارا سال نہیں زندگی حسین سے ہے ہم اپنی زیست کا ماضی بھولا نہیں سکتے قبلہ تشریف فرما ہو چکے ہیں میں زیادہ حائل نہیں ہوں گا اگرچہ ایس او پیز کی وجہ سے ہمارے نشستوں میں فاصلہ ہے لیکن ہمارے دلوں میں فاصلہ نہیں ہے ہمارے دل عشق حسین سے عشق علی سے جڑے ہوئے ہیں انہی عقیدت کی گہرائیوں سے اسی عشق سے میرے داروں کا جواب دیجئے اور مجلس حسین کا آغاز کریے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت بر محمد و آل محمد صلوات آپ کی اسی عقیدت کی گہرائیوں میں آج مجلس حسین کی پہلی مجلس سے خطاب کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں عزت مآب قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا شیخ انور علی نجفی صاحب سے کہ آئیں اور زیب ممبر ہو کے فضائل و مصائب امام حسین علیہ السلام بیان فرمائیں آغا صاحب کی طول عمر اور صحت و سلامتی کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلى اس سال کا یہ محرم باقی ایام عزا سے ذرا مختلف ہے یہ انسان جو ایک پرسکون زندگی گزار رہا تھا جو مست تھا اور غفلت میں اپنی اس قیمتی لمحات قیمتی زندگی کو
यूं ही हाथ से दे रहा था, एक वबा ने इसे बेदार किया, एक वबा ने इसे बेचैन किया, बेकरार किया। ये इंसान जिसे बेकरार होना चाहिए था, ये गंवा रहा था, ये खुसरान में था, लेकिन इंतहाई मज़े में भी था। गफलत में था, सुकून में था, इत्मीनान में था, और कॉरपोरेट वर्ल्ड ने उसके लिए जो टारगेट दिए हुए थे उसे वो अचीव कर रहा था, तरक्की कर रहा था, बंगले बना रहा था, मादी मकासद हासिल कर रहा था, और उस दरमियान अगर किसी को मौत आ जाती तो एक दो दिन गमगीन रहने के बाद ये इंसान अपने आप से कहता कि हर शख्स को मौत आनी है, लेकिन मेरी मौत का वक्त अभी नहीं आया है। अभी मैंने तो ज़िंदा रहना है, अभी तो मैंने बहुत कुछ करना है, और फिर अपनी प्लानिंग में लग जाता। अंदर की दुनिया और थी और बाहर की दुनिया और। अंदर की इंसान की दुनिया ये है, ये थी और ये है। इस वबा ने भी थोड़ा सा झंझोड़ा, लेकिन इंसान दोबारा इसका भी आदि हो गया है। अंदर की दुनिया ये कहती थी कि मैं हमेशा के लिए यहाँ रहने आया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, मैं अपनी तदबीर से हर वो चीज़ हासिल कर लूँगा, हर वो मकसद हासिल कर लूँगा जिसके लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ, और उन मकासद को वो खुद या उसके लिए दुश्मना ने खुदा तायीन किया करते थे और तायीन किया करते हैं। अभी भी इसी तरह दुनिया चल रही है। ये इंसान जो खुसरान में है, जो हर आन नुकसान में है, जो गंवा रहा है, जो हाथ से दे रहा है, वो क्यों इतना मुतमइन है, वो क्यों इतने सुकून में है? यहाँ मैं अर्ज़ कर दूं, जो वॉलंटियर हजरात आपको गाइड कर रहे हैं उनकी गाइडलाइंस पर अमल कीजिए। हमारी कोशिश है कि ये फ़र्श अज़ा, ये आज़ादारी, जो जहां एहतजाज है ज़ालिम के ख़िलाफ़, वहां मोहब्बत का इजहार है हुसैन इबन अली के साथ। हम जो यहां बैठे हैं, हम उस मोहब्बत का इजहार करने के लिए बैठे हैं जो हमें हुसैन से है, जो हमें करबला वालों से है। लेकिन मैं अपनी उस मोहब्बत का इजहार कैसे कर सकता हूँ? आप जब जाएंगे इंशाअल्लाह, खुदा करे 40 तक रास्ते खुल जाएं और हम फिर ज़ाइरे हुसैन इब्ने अली बन सकें। वहाँ जब हम सफ़र करते हैं तो इश्क़ हुसैन में हर शख्स ज़ाइर हुसैन से मोहब्बत करता है। अगर हुसैन से मोहब्बत को देखना है तो ज़ाइर से मोहब्बत करनी है। यहाँ भी अगर हमें आज़ादारी हुसैन से मोहब्बत है तो हमने आज़ादार हुसैन से मोहब्बत करनी है। हमने हर आज़ादार का ख्याल रखना है। अब आप ये ना कहिए कि हम बाज़ार में, स्कूल में और ऑफिस में सब गुल मिल के बैठे हैं, वहाँ किसी को कुछ नहीं होता, तो यहाँ हो कैसे हो सकता है? वहाँ आम इंसान है, जब वो आकर फर्श अज़ा पर बैठ जाता है तो वो आज़ादार हुसैन इब्न अली है। ये बहुत कीमती इंसान है, इस इंसान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, मेरे हाथों इस इंसान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और इंतहाई आसानी से ये काम हो सकता है। ये हाल हर रोज़ डिसइनफेक्ट होता है। आपको नर्म कालीन उठाकर सख्त फर्श पर इसीलिए बिठाया गया है। आप में अक्सर ने मास्क लगाया हुआ है, और मैं क्योंकि मजबूर हूँ बोलने के लिए,
इसलिए मुझे मास्क हटाना पड़ा। दरख्वास्त करूंगा कि जब तक यहाँ बैठे हैं मास्क को नाक के ऊपर लगाइए रखिए, और मैं क्योंकि देख रहा हूँ इसलिए मेरी बातों का लिहाज रखकर आप अपने मास्क पहन लें, और मास्क को अगर आप नाक के ऊपर रखते हैं तो तमाम लोग इंशाअल्लाह महफूज होंगे, और हम अपनी मोहब्बत का इजहार, हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत का इजहार आज़ादार हुसैन का ख्याल रख के करेंगे। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। और मजलिस भी इंतहाई मुख्तसर होगी, 45 मिनट में इंशाअल्लाह आपकी जो इबादत यहाँ पर इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। हाल से बाहर भी बैठने का इंतज़ाम है, और वापसी के रास्ते पर भी मुझे अभी दकीक इल्म नहीं है कि वॉलंटियर्स ने किस तरह इंतज़ाम किया है। बहरहाल वो जैसे गाइड करेंगे और जिन रोज़ को पहले निकलने के लिए कहेंगे वो पहले जाएं, जो बुज़ुर्ग बच्चे आए हुए हैं वो लोग पहले चले जाएं, जवान थोड़ा सा रुक कर देख कर, ये तीन गेट हैं और एक बंद है, दो गेट खुले हैं, उनसे अलग अलग निकलिए। ये सीढ़ियाँ भी नीचे जा रही हैं, वो सीढ़ियाँ भी नीचे जा रही हैं, तो रश किए बग़ैर इंशाअल्लाह तमाम SOPs का ख्याल रखकर हम इस इबादत को अंजाम देंगे। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आवाज़ सही आ रही है आप लोगों तक इंशाअल्लाह, और हाल के जिस हिस्से में आवाज़ ना हो वो उठ के थोड़ा किसी और जगह चले जाए तो आवाज़ बेहतर हो जाएगी। मैं अर्ज़ कर रहा था कि इंसान को पुरसकून नहीं होना चाहिए था, इस इंसान को उस मछली की तरह होना चाहिए था जिसे पानी से निकाल दिया गया हो और जिसके लिए वो खल्क हुआ है, उस समंदर में उस दरिया में जो मछली नहीं है उस मछली को करार और सुकून नहीं मिलता। ये इंसान जिसे अल्लाह ने अपने लिए खल्क किया था, अल्लाह के उस करम के समंदर से निकलकर ये शैतान की जुल्मतों में जाकर पुरसकून कैसे है इसका मुझे इल्म नहीं है। इस सुकून के लिए ये कह सकता हूँ कि ये जाहिरी सुकून है, ये गफलत है। इसकी मिसाल कुछ ऐसे है कि आपको अगर एनर्जी चाहिए, तवानाई चाहिए, तो आपको अच्छी ग़िज़ा लेनी होती है, आपको अच्छे फल लेने होते हैं, आपको अच्छा जूस लेना होता है। आजकल की इस दुनिया में आपको उस तवानाई के लिए, उस एनर्जी के लिए जूस के नाम पर डब्बों में न जाने क्या पिलाया जा रहा है, और हम खरीद खरीद कर उसे पीकर एनर्जी महसूस भी करते हैं, ताकत महसूस भी करते हैं। किसी भी डॉक्टर से पूछ लें वो ये बताएगा कि ये जूस डब्बों में बंद ये जूस नहीं है, इसमें फल का कोई भी शाइबा नहीं है, इसमें कोई एनर्जी नहीं है, इसमें मुजर सेहत सारी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन इसे सिर्फ खुशबू फल की दी गई है, रंग फल का दिया गया है, इसमें कोई तवानाई है ही नहीं। और ताज्जुब यह है कि जिसमें तवानाई है ही नहीं उससे हम तवानाई ले रहे हैं। हमारी माओ ने अपने दूध पिलाना छोड़कर डब्बों का दूध पिलाना शुरू कर दिया कि बच्चे इससे सेहतमंद होंगे, बच्चे इससे सेहतमंद नहीं होते, और फिर कुछ सालों बाद पता चलता है कि ये जो खाते रहे थे इससे कोई एनर्जी हमें नहीं मिली है। ये जो हमें आरजी सुकून महसूस हो रहा था, हमें जो आराम और आसाइश महसूस हो रही थी, ये एक धोखा है, एक भ्रम है। एक इंसान जो कि जिस मकसद के लिए खल्क हुआ है उसके अलावा किसी और दुनिया में मगन हो उसे सुकून मिल ही नहीं सकता है। इस पेंडेमिक ने आकर एक दफ़ा हिलाया, इंसान को सोचने पर मजबूर किया। कुछ लोगों में ये इस्तराब पैदा हुआ, कुछ लोग ना आराम हुए, कुछ लोग बेकरार हुए, और पता चला दुनिया को कि जिस सुकून के तलाश में हम मादी इतनी तरक्की कर रहे थे,
उससे सुकून हासिल नहीं हो सकता, इसलिए कि सुकून और आराम में फर्क है, आरामिश और आसाइश में फर्क है। आराम बदन को मिलता है, सुकून रूह और कल्ब को मिलता है। सुकून और है और आराम और है। सुकून को अरबी में सकीना कहते हैं। अगर आप कुरान में सुकून तलाश करना चाहें तो वहां सकीना का लफ्ज़ आएगा या इत्मीनान का लफ्ज़ आएगा। फारसी वाले उसे आरामिश कहते हैं। सुकून को आरामिश, आराम, सकीना रूह इंसानी के लिए है, जान इंसानी के लिए है, कल्ब इंसान के लिए है। आसाइश, ऐश, इशरत, आराम बदन इंसान के लिए है। इस इंसान को जो कि मजमूआ है रूह का और बदन का, रूह को बुला दिया गया और सिर्फ बदन में मगन कर दिया गया। सिर्फ बदन में ये इंसान मगन रह नहीं सकता जब तक उसे रूह से गाफिल ना कर दिया जाए। इस दुनिया ने रूह से गफलत की भी तमाम चीजें आपको फराहम कर दी। आज हम इस अशरे में कोशिश करेंगे कि वो अवामिल, सबसे पहले तो ये जान सकें कि हम अगर बेकरार नहीं हैं तो हम में कोई कमी है। हम अपना वर्ल्ड व्यू, अपनी जहां बीनी को दुरुस्त करें। हम इस बात को महसूस करें कि हम यहां सुकून में नहीं हो सकते हैं अगर हम जिक्र खुदा में ना हों। आज आप सब यहां इस पैंडेमिक के अलावा क्यों आ गए? आज तमाम फर्श अज़ा क्यों बिछ गए? इसलिए कि मुहर्रम आ गया। मुहर्रम के आते साथ ही सुकून की तलाश में लोग फर्श अज़ा पर आते हैं, इसलिए कि इस फर्श से कल्ब को सुकून मिलता है। यहां इंसान आराम होता है। अगर यहां जो नहीं आता वो, उसे अगर सुकून है तो वो किसी ख्वाब आलूद दवा का शिकार है। आपको जिक्र खुदा से, जिक्र हुसैन से भी सुकून आ सकता है और कोई नशा करे तो उसे भी सुकून आ सकता है। लेकिन वो सुकून कहाँ, ये सुकून कहाँ? ये हकीकी सुकून है जिसके बाद उरूज पाता है, मेराज पाता है इंसान, और वो सुकून नहीं है और उसकी वजह से इंसान तनज्जुल का शिकार होता है। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। जिन लोगों को मेरी तरह ज़मीन पर बैठने में मुश्किल है, मैं वॉलंटियर्स से दरख्वास्त करूँगा कुछ कुर्सियाँ लाकर मज़ीद रख लें। अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कुछ कुर्सियाँ मज़ीद रख लें, जिनको बैठने में दुश्वारी है उनको ज़मीन पर ना बैठना पड़े, उनके लिए कुर्सियाँ दस्तियाब। व सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम यहाँ सुकून की तलाश में आए हैं और इस मुहर्रम इंशाअल्लाह इस अशरे में हमारा मौजू यही होगा। हम इस सुकून को तलाश करेंगे, इस सुकून को हासिल करेंगे और कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंशाअल्लाह हम एक पुरसुकून ज़िंदगी की तरफ बढ़ेंगे। इन अय्याम अज़ा में जहाँ आँखों से आंसू रवां होते हैं और इन आंसुओं के आने से दिल को करार मिलता है, ये अजब जिक्र है हुसैन इब्ने अली का। हम तो मुहर्रम आता है तो जिक्र हुसैन को मसाइब में सुनकर गिरिया करते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम किसी भी दिन अगर नाम हुसैन को सुन लेते तो फिर उस दिन हुसैन इमाम के लबों पर कोई मुस्कुराहट को ना देखता। आप इरशाद फरमाते और हमेशा कहा करते, इन्नल हुसैन अलैहिस्सलाम अबरतुन लिकुल्ली मुमिन, हर मुमिन की पहचान वो आंसू हैं
जो उसके आंखों से हुसैन इब्ने अली के लिए निकलते हैं। मोमिन, खुदा ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया है कि मैंने मोमिन का नाम समैतुहु बिस्मी, मैंने अपने नाम से उसका नाम रखा है। हुवल्लाहुल मोमिन, अल्लाह मोमिन है और अल्लाह ने अपने इसी नाम से मोमिन का नाम रखा है। और मोमिन का मतलब और मोमिन की अलामत यह है कि उसकी आंखों में हुसैन का नाम सुनकर आंसू आ जाते हैं। इन्नल हुसैन अबरतुन लिकुल मोमिन, और इन आज़ादारियों के लिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन तिलकल मजालिस उहिब्बुहा, मैं इन मजालिस को पसंद करता हूं। किन मजालिस को? उन मजालिस को जिसमें युह्या फीहा अमरुना, जिन मजालिस में हमारे अम्र की इह्या, अम्र इमामत होती है, जहां इमामत की, दीन की, तौहीद की, नबुवत की, माआत की बातें होती हैं, जिन तालीमात को जिंदा करने के लिए हुसैन ने कुर्बानी दी, उन तालीमात की जहां बात होती है, उन मजालिस को मैं पसंद करता हूं। और उन मजालिस में युहयिल कुलूब हैसा वलम युमुत कुलूबहु हैसा तमूतुल कुलूब, जब तमाम दिल मर जाएंगे, ये जिक्र हुसैन सुनने वालों के दिल जिंदा रहेंगे। आज सिर्फ हुसैन वालों के दिन, आज भी सिर्फ हुसैनियों के दिल जिंदा हैं, नहीं तो कैसे मुमकिन है किसी का दिल जिंदा हो। रिसालत माप ने अजर रिसालत में मोहब्बत और मवद्दत को तलब किया हो, और जिस दिन नवासे रसूल शहीद हो वो मुबारकबाद दें, वो नया साल मनाएं, वो फर्श अजा पर ना आए, ये शिया सुन्नी की बात नहीं है। ये तमाम जिंदा दिल हजरात आज यहाँ तशरीफ फरमा है, यहाँ भी आते हैं हमारे अहले सुन्नत बरादरान, और ऑनलाइन भी बहुत से लोग सुनते हैं, वो लोग मजालिस सुनते हैं, वो लोग इन मजालिस को अहिया करते हैं, इन मजालिस को बपा करते हैं, जो जिनके कुलूब मुर्दा नहीं हुए। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। जहां तक इस बला का ताल्लुक है, बस मैं एक हदीस आपकी खिदमत में पेश करूं और फिर चला जाऊंगा सुकून के लिए, और ये मुकद्दमा है कि हमें पता चले कि ये बला क्या है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल बला लिज़ालिम अदबुन, ये जो बला आई है इस सब के लिए यकसान नहीं है। इन्नल बला लिज़ालिम अदबुन वलिल मुमिन इम्तिहानुन, अरबी बहुत आसान है, अब अरबी ही समझ लेंगे। वलिल अंबियाई दरजतुन वलिल औलियाई करामतुन, अल्लाहु अकबर। ये भला, ये पैंडेमिक कुफार के लिए, जालिमीन के लिए भला है, मोमिनीन के लिए इम्तिहान है। कैसा इम्तिहान है? इस मोहम्मद व आले मोहम्मद, जालिम के लिए ये अजाब है,
मोमिन का इम्तिहान है, और इसमें जो इम्तिहान है, और आगे हम सुकून में बयान करेंगे कि मोमिन की निशानियों में से एक राजी बे रज़ा ये इलाही होना है। यहाँ इम्तिहान है कौन राजी है और कौन राजी नहीं है। यहाँ ये भी इम्तिहान है कि आपको एहतियात करना है ताकि आप इस नुकसान को आगे ना फैलाएं। आप एहतियात करते हैं या एहतियात नहीं करते, इसलिए कि एहतियात करना वाजिब है। मोमिन की जान को नुकसान पहुंचाना हराम है। जब ये एहतियात वाजिब है तो ये हमारा इम्तिहान है, और अंबिया के लिए दराजा है, औलिया के लिए करामत है। और वो क्योंकि हमारी बहस से खारिज है कि वो दराजात कैसे हासिल होते हैं बला से और कैसे करामत है, उस पर हम नहीं जाते। हम सिर्फ खुदा से दुआ करते हैं कि ये इम्तिहान बहुत बड़ा इम्तिहान हो गया, और इस फर्श अज़ा पर बैठ के इन अज़ादारों के इस मास्क लगाए हुए चेहरों का वास्ता देकर दुआ करता हूँ कि खुदाया इस पेंडेमिक को हमसे उठा ले, इस वबा को हमसे उठा ले, इस इम्तिहान में, इस आजमाइश में हम सबको कामयाब फरमा। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब हम सुकून की बात कर रहे हैं, हमें सुकून चाहिए, हमें आरामिश चाहिए, हम इस्तराब से बचना चाहते हैं, तो इस सुकून और आरामिश को हासिल करने के लिए हमें सबसे पहले अपने घर में आरामिश और सुकून और इत्मीनान लाना होगा। अगर हमारे घरों में आरामिश ना हो, अगर हमारे घरों में सुकून ना हो, अगर इत्मीनान घर में ना हो, तो फिर बाहर ये इंसान सुकून में इत्मीनान में नहीं रह सकता है। अगर आप सुकून से होंगे तो आप बेहतर फैसला कर सकते हैं, बेहतर मुदीरियत कर सकते हैं, बेहतर अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप मुस्तरिब होंगे तो आप ना बेहतर समझ सकते हैं, ना बेहतर अमल कर सकते हैं। और इस सुकून की इब्तिदा हमें घर से करनी है, और घर से सुकून की इब्तिदा करने के लिए वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा। वमिन आयातिही, आयात इलाही में से है, आयतुल्लाह आप कहते हैं ना, अल्लाह की आयतें। आयात इलाही में से बहुत बड़ी आयत कौन सी है तुम्हारे अपने घर में है? अंजाल लकुम मिन अनफुसकुम अज़वाजा, तुम खुद तुम में से तुम्हें जोज फराहम किया, जोजा फराहम किया। लितस्कुनु इलैहा, शादी का मकसद सुकून हासिल करना है। तुम खानवादा तश्कील देते हो, घर बनाते हो, तो बीवी से तुम्हें क्या चाहिए? बीवी से तुम्हें सुकून चाहिए। लितस्कुनु इलैहा, वो तुम्हें सुकून देने के लिए है। अब हम बीवी से कब सुकून का कैसे मुतालबा करेंगे वो आगे मैं आयात में पेश करता हूं इंशाल्लाह। अल्लाह की आयात में से है कि हमें खानवादा दिया, हमें घराना दिया। इस्लाम इज्दिवाज को, शादी को, इस मुकद्दस रिश्ते को जिनसी निगाह से नहीं देखता, शहवानी लिहाज से नहीं देखता, बल्कि रूहानी लिहाज से देखता है। हमने कहा है सुकून रूह को मिलती है। रूह को सुकून पाने के लिए ये इंस्टीट्यूशन शादी का कायम किया, और आज के इस दौर में हमारे बहुत से जवान शादी को बहुत मौखर कर देते हैं, क्योंकि मैं अभी अपने पाँव पर खड़ा नहीं हुआ, अभी तो मैं कमाता नहीं हूँ। ये जो शादी नहीं करते, ये तीन हाल से खारिज नहीं है, या ये अपना राज़िक
खुद अपने को अपना राज़िक मानते हैं, इनका ख्याल ये है कि रिज़्क ये पैदा करते हैं, क्योंकि मैं खुद राज़िक हूँ, मैं रिज़्क पैदा करता हूँ, जिसे हम लोग कमाने वाला कहते हैं, मैं खुद कमाने वाला हूँ, रोज़ी लाने वाला मैं हूँ, राज़िक मैं हूँ, तो मैं एक आदमी का रिज़्क तो ला सकता हूँ, दो का मैं नहीं ला सकता, इसलिए कि मैं शादी नहीं करता। अगर दो का ला सकूं तो बच्चे हो जाएंगे, तीन और चार का रिज्क मैं नहीं ला सकता, इसलिए मैं शादी नहीं करता या मैं अपने बच्चों की शादी नहीं करता। मैं राज़िक हूं या खुदा राज़िक है? जी मैं तो राज़िक नहीं हूं, मेरा रिज्क मेरे हाथ में नहीं है। मैं अपने जिस बॉस से बहुत डरता हूं कि मेरा रिज्क उसके हाथ में, मेरा रिज्क उसके हाथ में भी नहीं है, उसके हाथ में उसका अपना रिज्क भी नहीं है। जिसके हाथ में अपना रिज्क ना हो, उसके हाथ में दूसरे का रिज्क कहाँ से होगा? आज से बॉस से इस हवाले से डरना छोड़ दीजिए कि मेरा रिज्क रोज़ी और रिज्क इससे वाबस्ता है, आपका रिज्क खुदा से वाबस्ता है। ये पहला तो गलत हुआ कि आदमी इसलिए शादी ना करे कि वो राज़िक है। नहीं, वो राज़िक नहीं है, खुदा राज़िक है। अच्छा, अगर खुदा राज़िक है फिर ये शायद ये ख्याल करता हो कि खुदा के पास इसको तो देने का रिज्क था, इसकी बीवी का रिज्क खुदा के पास नहीं है। मुमकिन है? नहीं। खुदा के पास तमाम कायनात के खजाइन खुदा की मिल्कियत में है, खुदा के पास कोई कमी नहीं है। इसे भी पाल सकता है, इसकी बीवी को भी पाल सकता है, इसके बीवी बच्चों को भी पाल सकता है। तीसरी सूरत यह है, खुदा के पास है तो बहुत, लेकिन खुदा नाऊज़ु बिल्ला नहीं देगा। खुदा सखी नहीं है, खुदा फयाज नहीं है, खुदा करीम नहीं है, खुदा रहीम नहीं है, खुदा रहमान नहीं है, नाऊज़ु बिल्ला। ये भी गलत। तो जो जवान सुन रहे हैं या वो पेरेंट सुन रहे हैं जिनके बच्चे जवान हैं, कोई फिक्र ना करें, तवक्कुल करें खुदा पर, वो राज़िक है, और जल्दी अपने बच्चों की शादी करें। जवान जल्दी शादी करें। क्यों शादी करें? इसलिए कि लितस्कुनू इलैहा, तुमने जो सुकून हासिल करना है और उस सुकून के बाद पुरसुकून होकर अल्लाह की इबादत करनी है, वो सुकून आधा है, आधा मजीद शादी से पहले नहीं आ सकता। बस शहवानी दीद नहीं है, जो मगरिब आजकल वेस्ट कहता है कि शादी करने की क्या जरूरत है, साथ रह ले काफी है, और बहुत से उन्होंने हराम तरीके निकाल लिए। नहीं नहीं, सिर्फ शहवत के लिए नहीं है, इंसान अपने ईमान की तकमील के लिए शादी करता है। जब शादी कर ली और आप एक घराना तश्कील पा दिया, तो हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, ये मियां बीवी बिल्कुल बराबर हैं। अर्रिजाल कवामून अलन्निसा, वो और बात है, वो हुकूमत इंतजाम किसका होगा, इंसराम किसका होगा? मर्द का होगा। मैनेजर कौन होगा, चलाएगा कौन, कमांड कौन करेगा? मर्द करेगा। वो एक अलग बात है इंतजामी लिहाज से। अभी इंतजामी लिहाज से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ग्रेड में हैं, लेकिन इंसानियत में वो सब बराबर हैं। मियाँ बीवी दोनों बराबर हैं। हुन्ना लिबासुन लकुम, पहले बीवी की बात आई है, उसको मुकद्दम रखा है। अंतुम को तो बाद में कहा है, तुम बाद में आए हो, तुम बाद में लिबास हो, वो पहले तुम्हारे लिए लिबास है। हुन्ना लिबासुन लकुम, वो तुम्हारे लिए लिबास है। लिबास जैसे जीनत देता है, उसी तरह वो तुम्हें जीनत देती है, तुम उसे जीनत देते हो, दोनों के लिए बराबर है। लिबास जैसे सतरपोशी करता है, लिबास जैसे आराम देता है, उसी तरह मियां बीवी एक दूसरे को आराम देते हैं। निसाउकुम हर्सुन लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, तुम्हारा खेत है। अच्छा, हमने तो कहा था बराबर हैं, अब तो उनको आपने खेत बना दिया। लेकिन इस इंतहाई लतीफ ताबीर है कुरान की,
और इन तमाम ताबीर से याद रखिए, हमने सुकून हासिल करना है और वो सुकून हमने शुरू करना है अपने घर से। घर पुरसकून हो जाए, हमारा माशरा पुरसकून हो जाएगा। जिस शख्स को घर में सुकून हो वो बाहर तमाम चैलेंजेस का मुकाबला कर सकता है, लेकिन जिसको घर में सुकून हासिल ना हो वो बाहर छोटे छोटे चीज़ों से भी घबरा जाता है। घर में अगर सुकून नहीं है, अच्छे बच्चे तरबियत नहीं पाते, अच्छे आज़ादार तरबियत नहीं पाते, अच्छे सिपाही तरबियत नहीं पाते। घर में और वो भी मोमिनीन के घरों में सुकून इंतहाई लाजमी है, इंतहाई ज़रूरी है। और अगर बिना मालूम किए हुए, यानी हमारा वर्ल्ड व्यू सही ना हो, हमारी बसीरत सही ना हो, हम सही ना जानते हों और सुकून में हों, तो फिर ये ख्वाब गफलत है, ये सुकून नहीं है। निसाउकुम हर्सुन लकुम, तुम्हारी खेतियां हैं। अच्छा, हमने पहले कहा था शादी करो किस लिए, लितस्कुनू इलैहा, ताकि उससे सुकून हासिल करो। और हमारे माशरे में ये होता है कि शादी के बाद बीवी से ये गिला रहता है, ये सुकून नहीं देती, ये लड़ाई करती है, ये आराम नहीं देती, और उससे सारा मुतालबा यही होता है कि सारा सुकून तुमने ही देना है। ये आयत कह रही है कि बीवी ने सुकून नहीं देना है, देना सुकून देना बीवी का काम नहीं है, देना तुम्हारा काम है। निसाउकुम हर्सुन लकुम, तुम्हारी खेती है, खेती तुम्हें कुछ देती है, तुम खेती को देते हो, तुम्हें जाना होता है, तुम्हें आबियारी करनी होती है, तुम्हें दाना डालना होता है, तुम्हें ख्याल रखना होता है, सब कुछ तुमने करना होता है, खेत ने कुछ नहीं करना होता। अगर आप हाथ पर हाथ रख धरे बैठे रहें और खेत से कहते रहें मुझे सुकून दो, मुझे माल दो, मुझे दाना दो, उसने आपको कुछ भी नहीं देना है। फिर देना किसका काम हुआ? मर्द का। देखिए, मैं जो सामने बैठे हैं उन्हें मुझे खुश करना चाहिए था, मेरे सामने तो ख्वातीन नहीं बैठी, लेकिन जो हकीकत है वो अर्ज कर रहा हूं, ये मेरे खिलाफ भी जा रही हो बात, खिलाफ नहीं है, ये तो सुकून आने की बात है। हमने देना है, हमने सुकून देना है, हमने रोजी देनी है, हमने नफका देना है, हमने इज्जत देनी है, हमने लिबास देना है, हमने सब कुछ देना है, उसका ख्याल रखना है, उसे शहजादी बनाकर रखना है, फिर वो सुकून नहीं देगी। जब आप ये सब दे चुके हैं, जब आप ये तमाम जहमत कर चुके हैं, उसके बाद वो आपको माला माल करेगी। आप एक दाना दोगे वो आपको 700 दाने वापस पलटाएगी, आप एक सुकून दोगी देंगे वो 7000 सुकून आपको पहुंचाएगी, वो आपको सुकून देगी, आपके बच्चों को सुकून देगी, आपके खानदान को सुकून देगी। किस सुकून के बदले में? वो उस एक सुकून के बदले में जो आपने उसे दी है। शुरू मर्द ने करना है, देना मर्द को है, जहमत मर्द ने करनी है। ये सब करने के बाद जब औरत सुकून में आ जाए, जब फसल तैयार हो जाए, फिर वो जो देगी वो फिर बेहिसाब देगी, वो बरकत देगी, वो इज्जत देगी, वो औलाद देगी, वो ईमान आपके ईमान को मुकम्मल करेगी। ये अब औरतों की तरफ ज्यादा हो गया, ठीक। औरतों को क्या कहा है? औरतों से कहा है निसाउकुम हर्सुन लकुम, कि वो खेतियां हैं, वो सनोबर का दरख्त नहीं है। औरतें दरख्त नहीं हैं कि अकड़ जाएं और कोई भी आंधी चले तो उनकी अकड़ खत्म ना हो, वो गिरकर टूट जाएं, तलाक हो जाए। औरतें अकड़ने के लिए नहीं है, खेत है गंदम की तरह है, गंदम की फसल देखी है, जितनी भी तेज आंधी आए वो झुक जाती है, उनमें लचक होती है, उनमें तवाजो होता है, वो सर नीचे करती हैं और सारा तूफान गुजर जाता है। तूफान गुजरने के बाद जितना बारान रहमत बरसती है उस सब से वो फायदा उठाती हैं। औरत को जब मर्द से सुकून मिलेगा, मर्द से नान और नफका मिलेगा, मर्द से हिमायत मिलेगी, मर्द से प्रोटेक्शन मिलेगी, इन तमाम चीजों के बावजूद कभी तूफान आएगा, कभी सख्तियां आएंगी, उसे सनोबर का दरख्त नहीं बनना, उसे
अकड़ना नहीं है, उसने लचक पैदा करनी है, उसे झुक जाना है, उसे मुतवाज़े होना है। और इस तवाज़ु में, इस लचक में जो खुदा ने उसके रूह रवान में करार दी है, उसके खानवादे में सुकून है, उसमें सुकून है। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। हदीस है, अस्सकीनतु उन्वानुल अक्ल। सकीना हमारे यहां तो बच्चियों का नाम है ना, और अरबी में हमने कहा ये इत्मीनान को कहते हैं, सुकून को कहते हैं। आप आकिल हैं या आकिल नहीं हैं, आपके इनवान, इनवान आपके जो टाइटल होता है उसको इनवान कहते हैं। आपका टाइटल, आपके माथे पे जो लिखा होगा वो वक़ार और सकीना होगा, वो सुकून होगा। अगर आप पुरसुकून हैं इसका मतलब है कि आप अकलमंद हैं, अगर सुकून नहीं है तो फिर अकल नहीं। इन अफजल इल्म अस्सकीनतु वल हिल्म। इल्म हम हासिल करते हैं लेकिन इल्म हमें मालूम ही नहीं है क्या है, हम मालूमात को इल्म कहते हैं। कुछ मालूमात हासिल करते हैं उसे हम इल्म जानते हैं। यहाँ इमाम इरशाद फरमा रहे हैं अफजलुल इल्म, तुम आलिम हो या नहीं, तुम आकिल हो या नहीं, उसका पता कहाँ से चलेगा, तुम पुरसुकून हो या नहीं। अस्सकीना वल हिल्म। हिल्म पर फिर इंशाअल्लाह जब बात आएगी हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। हम जो यहाँ जमा हैं और इस दरसगाह करबला से हम सुकून चाहते हैं, तो हमें मआरिफ़ अहल बैत से भी आशना होना चाहिए। एक गुरोह कहीं बैठा था और रसूल खुदा वहाँ से तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो रिसालत मआब ने उनसे पूछा मन अंतुम, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा नहनुल मुमिनून, हम मोमिन हैं। तो रिसालत मआब ने पूछा मा अलामतु ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान की अलामत क्या है? तो मोमिन हो तो उसकी कोई अलामत भी होगी। अगर वो कोई पायलट है तो उसके पास डिग्री भी होनी चाहिए, नहीं तो वो ग्राउंड हो जाएगा। अगर कोई मोमिन है तो उसका अलामत भी होनी चाहिए, उसके मुहर्रम में उसके सियापोश भी होना है। और यहाँ ये बात भी मैं अर्ज़ कर दूँ कि जो बुज़ुर्ग यहाँ नहीं आ पा रहे और जो बच्चे यहाँ नहीं आ पा रहे, आजकल पैंडेमिक में अपने घरों को अज़ा खाना बनाइए, अपने घरों में एक कमरा अज़ा खाने के तौर पे बनाएं, खुद उसमें ज़ाकिरी करें, किसी भी किताब को उठाएं, किसी भी मसाइब की किताब को उठाएं, फ़ज़ाइल की किताब को उठाएं, किसी भी मेंबर पर बैठ के, कुर्सी पर बैठ के अपने भी बच्चों के लिए ज़ाकिरी करें। जो यहाँ आ रहे हैं वो भी करें, जो नहीं आ रहे वो भी करें। शेख हबीबुल्लाह गुलपैगानी के बारे में है शायद, अगर मैं नाम नहीं भूल रहा, कि एक दफ़ा नजफ में एक मरजे तकलीद हैं, वो सुबह सुबह बहुत परेशान बेकरार अपने घर से बाहर आते हैं, सहन में टहलते रहते हैं, खादिम से कहते हैं जैसे ही आज़ान हो सुबह हो फलान साहब को बुला के ले आना, उसने आज कोई बहुत बड़ा काम किया, मैंने पूछना है उसने क्या किया। जैसे आज़ान हुई नमाज के बाद खादिम गया उस साहब को उन्होंने बुलाया और वो मर्जे तकलीद के पास आए, उससे उसने पूछा तूने कल क्या किया? क्या कल मैंने कोई ख़ास ऐसा काम नहीं किया। फरमाया कल तूने कोई ख़ास काम किया है जिसकी वजह से मैंने एक ख्वाब देखा है, तू बता तूने क्या किया है। उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा कि मैं नजफ़ में पढ़ता हूँ लेकिन मैं कभी तबलीग पर नहीं गया था, कभी मैंने ज़ाकिरी नहीं की थी, कभी मैंने मजलिस नहीं पढ़ी थी, आज मुहर्रम की पहली तारीख थी, मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं इस शरफ से क्यों महरूम हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे खिताबत आती नहीं थी तो मैंने फैसला किया कि एक किताब लेकर अपने घर में मेंबर रखूं और वहाँ अपने भी बच्चों को बिठा कर मैं जिक्र करूँ, बस मैंने इतना सा काम किया। तो उस मर्जे तकलीद ने कहा कि मैंने कल ख्वाब में देखा कि अमीरुल मोमिनीन के
के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे और हज़रत अब्बास उनके साथ थे। इमाम ने एक दफ्तर, एक कापी खोली और उसमें से एक शख्स का नाम मिटा दिया और उसकी जगह तेरा नाम लिखवा दिया। हम भी अपना नाम लिखवा सकते हैं इतनी आसानी से। अपने बच्चों को बिठाएं, उनके सामने जिक्र हुसैन करें, हर घर को अज़ा खाना बनाएं, हर घर में जिक्र हो और हर रोज हो। आप एक दो मजलिसें अपने घरों में बपा करते हैं, नहीं नहीं, हर रोज आपके घर में मजलिस होनी चाहिए ताकि आपके घर से जब गिरिए की आवाज बुलंद हो और कोई पूछे मा अलामतुल मोमिन, मोमिन की अलामत क्या है, हम कहें उसके घर से मुहर्रम में आहो बुका बुलंद होती है। मा अलामतुकुम, तुम्हारे में मोमिन की क्या अलामत है। उन्होंने अलामतें बयान की। आज वक्त आ गया, ना जाने मैं ये हदीस मुकम्मल कर पाऊं या नहीं। उन्होंने जब अलामतें बयान की तो रिसालत माँ ने फरमाया अंतुमुल उलमा, तुम मोमिन नहीं, तुम उलमा हो। अंतुमुल हुकमा, तुम मोमिन नहीं, सिर्फ मोमिन नहीं, तुम मोमिन हो, तुम उलमा हो, तुम हुकमा हो। बल अंतुमुस सिद्दीकून, कोई क्या जाने सिद्दीक क्या होता है, तुम सिद्दीक हो। क्यों, वो क्या अलामतें थी, वो क्या चीजें थी जिसकी बिना पर ये गुरोह जो मदीना में है अस्हाब का है, वो मोमिन भी है, आलिम भी है, हकीम भी है और सिद्दीक भी है। और इन्हीं अलामतों से इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये अलामतें हमारे अंदर भी आएं और हम भी आलिम हो जाएं, हम भी हुकमा में से हो जाएं, हम भी सिद्दीकीन में से करार पाएं। और सिद्दीकीन के बाद फिर अंबिया का दर्जा है, बल कादू अन तकूनू मिनन अंबिया, तुम मोमिन नहीं हो, तुम उलमा में से हो, हुकमा में से हो, सिद्दीकीन में से हो। बल कादू अन तकूनू मिनल अंबिया, तुम अंबिया की हुदूद को पहुंच रहे हो। कितनी पुरसकून जिंदगी होगी सिद्दीकीन की, शुहदा की, सालिहीन की, मुत्तकीन की। और इस फर्श अज़ा पर आकर हम ये सिफात हासिल कर सकते हैं। मैं आज हदीस पढ़ देता हूँ शरा, फिर इंशाल्लाह कल बयान कल करूँगा। और इस हदीस को ज़रूर सुनिएगा, अगर ना आ सके तो ऑनलाइन सुन लीजिएगा। हज़रत दाऊद तमाम अंबिया में से इंतहाई दिलचस्प नबी हैं। और हज़रत दाऊद का जो खुदा से मुकालिमा है वो भी इंतहाई दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प मुकालिमात हैं। कभी इसको अलग से जमा करके पढ़िएगा, बहुत मज़े की अहादीस हैं। قال الله تعالى يا داوود قل لعبادي, ए दाऊद मेरे बंदों से कह दो, من لم يرضى بقضائي, मन लम यर्ज़ा बिकज़ाई, आसान अरबी है समझ लेंगे, जो मेरी कज़ा वो कदर से राजी न हो, वलम यस्बिर अला बलाई, वलम यश्कुर अला नअमाई, फल्यत्लुब रब्बन सिवाई। जो मेरी कज़ा व कदर पर राज़ी न हो, जो मेरे बला पर, आजमाइश पर सब्र न कर सके, जो मेरी नेमतों का शुक्र न कर सके, उस शख्स से कह दो कि मैं फिर उसका रब नहीं हूँ, जाए मेरे अलावा कोई और रब तलाश करे।
बहुत अजीम है। अगर इत्मीनान चाहिए तो ये तीन चीज़ें जो इस हदीस ने बयान कर दी हैं, पहला तस्लीम, रिजायत, राजी होना कज़ाए इलाही पर, दूसरा साबिर होना बलाए इलाही पर, और तीसरा शुक्र करना। हम दो चार दिन शायद इस इन पॉइंट्स में लग जाएं और इसी को अगर हम हासिल कर लें तो हमें इत्मीनान हासिल हो जाएगा। और बहुत सी चीज़ें हैं जो सब इसी में पलट कर आती हैं। अब कज़ा व क़द्र इलाही क्या है और उसे समझना इंतहाई मुश्किल अमर है, समझना मुश्किल है, लेकिन हम सब क्योंकि उसको एक्सपीरियंस करते हैं तो हम सबको पता सब है, उसे अल्फाज में डालना मुश्किल है। अल्फाज के पैराए में इल्म बनाकर उसे थ्योरी बनाकर समझना मुश्किल है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब की खिदमत में एक शख्स आया कि या अमीरुल मोमिनीन मुझे कज़ा व क़द्र इलाही के बारे में बताओ, तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया बहरुन अमीक, ये इंतहाई गहरा समंदर है, इसमें डूब जाओगे, इसके बारे में जानने की कोशिश मत करो। उसकी रसाई नहीं थी। वो दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा जब वापस आया, बार बार आया तो कहा अल अमरु बैन अल अमरैन, इतना जान लो कि कज़ा व क़द्र इलाही अल अमरु बैन अल अमरैन है। मैं कल फिर बयान करूंगा, आज सिर्फ इतना इशारा कर दूं कि जो कुछ खैर है वो अल्लाह की तरफ से है और जो कुछ शर है वो सब मेरी तरफ से। जो खैर वो खुदा की तरफ से, क्यों? इसलिए कि जो भी मैं खैर करता हूं उसकी कुव्वत, उसकी ताकत अल्लाह ने मुझे इनायत की है, और जो भी शर है वो मैं खुद अंजाम देता हूं। आप कहेंगे कि शर भी तो अल्लाह की तरफ से है, मैं इस जबान से बदगोई करता हूं, गइबत करता हूं, तो ये भी तो अल्लाह ने दी है जबान। अगर मैं इस जबान से जिक्र करता हूं तो ये खैर है और अल्लाह की तरफ से है, अगर मैं इससे बदगोई करता हूं तो ये शर है, ये भी अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि इस जबान की ताकत गोयाई अल्लाह ने ही दी है। हाँ, अल्लाह ने दी है, लेकिन अल्लाह ने मना भी किया है। फर्ज कर लीजिए आपका जवान बेटा पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है, स्कॉलरशिप मिल गई, आपने उसे 1,000,000 रुपया दे दिया, दूसरे शहर जा रहा है, आपने कहा ये पैसे ले लो और बेटा अपनी तालीम पर खर्च करना, अपने खुराक पर खर्च करना, इससे इसराफ ना करना, इससे नशा ना करना, शराब ना पीना। अब ये बच्चा जाता है इन पैसों से, अगर तालीम हासिल करता है तो वो सब आपकी वजह से है, आपका लुत्फ है, आपका करम है, आपने उसे फंड किया इसलिए वो अच्छा काम कर सका, वो डॉक्टर बन सका, वो इंजीनियर बन सका, वो पीएचडी कर सका, वो तमाम मदारिश तय कर सका। क्यों कर सका? क्योंकि आपने मदद की थी, ये तमाम खैर आपकी तरफ से है। और अगर वो उन पैसों से जाकर शराब पिए, नशा करे, इसराफ कर दे, तो ये उसकी अपनी तरफ से, ये आपकी तरफ से नहीं है। नहीं, आपने तो उसको मना किया था। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसे कोई ऐसा पैसा दें जो तालीम में तो खर्च हो, शराब में खर्च ना हो, नशे में खर्च ना होता हो, तालीम में खर्च हो सकता हो, ऐसा कोई पैसा है? ऐसा पैसा नहीं है, और पैसा ऐसा होता भी नहीं है। फिर आपका इख्तियार ख़त्म हो गया, आप मुख्तार भी हैं, आपने अपने इरादे से तकामुल करना है। तमाम खैर अल्लाह की तरफ से है, तमाम शर मेरे अपने इंतखाब से है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वक्त आखर, रावी ने जो सुना तो वो रिजन बेरिजाक तस्लीमन ले अमरिक ला मअबूद सिवा। मुहर्रम के आते ही इमाम ज़माना अज्जलल्लाह फरजहुश शरीफ सर से अमामा उठा लेते,
इमाम रजा इतना गिरिया करते थे कि आपकी आंख से खून टपकता था। इमाम ने इरशाद फरमाया, यबने शबीब इन कुंत बाकियन लिशेही फबकी लिल हुसैन। यबने शबीब, ए मोमिन, ए इंसान, अगर तेरे सीने में दिल नहीं है और तू किसी पर भी गिरिया नहीं करता तो फिर तुझसे मुझे कोई घिला नहीं है। लेकिन अगर तू अपने बेटे की मौत पर तो रोता है, किसी भी चीज के लिए तू रोता है, तो फिर फब के लिए हुसैन, हुसैन इब्ने अली के लिए गिरिया करो। فإنه ذبح كما يذبح الكبش, इसलिए कि हुसैन को ऐसे ज़िबा किया गया जैसे भेड़ को ज़िबा किया जाता है। अज्रुकुम अल्लाह, अपने आवाज़ों को रहा कीजिए, मालूम नहीं ये फर्श अज़ा फिर हमारे नसीब में हो ये ना हो। अपने आवाज़ों को बुलंद करें, खुदा की रहमत है इन आवाज़ों पर जो ज़िक्र हुसैन, जो मसाइब हुसैन में बुलंद होती है। मैं अर्ज करूंगा, इमाम आपने तशबीह दी कि मेरे जद हुसैन को कब्श की तरह ज़िबा किया गया। कब्श को, भेड़ को जब ज़िबा किया जाता है तो पहले पानी पिलाया जाता है। आपके जद को प्यासा ज़िबा किया गया, इसीलिए सैयद सज्जाद अपनी तमाम उम्र किसी ज़बीहे को ज़िबा होते न देख सकते। अगर कहीं नजर आता तो पूछते, मुसलमानों आदाब ज़िबा जानते हो? इस जानवर को मारने से पहले, ज़िबा से पहले पानी पिलाया था। मैं अर्ज करूंगा, मौला आका आपने ये तशबीह क्यों दी? आपके जद को प्यासा ज़िबा किया गया, शायद इमाम फरमाए जब भेड़ को ज़िबा किया जाता है तो कोई रोकने वाला नहीं होता। जहरा का फूल औलाद अली उस सहरा में ज़िबा किया जाता रहा। कलिमा को मुसलमान देखते रहे, कोई रोकने वाला न था। तन्हा ज़ैनब जो बढ़ कर कहती, अमाबीकुम मुस्लिम, क्या तुम में कोई मुसलमान नहीं? अज़रुकुम अल्लाह, ये कारवान मदीना से रवाना होता है, अहले हरम को हरम से निकाला जाता है और उस शान से एक आरवान बढ़ता है जब मस्तूरात आती है, लोगों को हटाया जाता है। अली अकबर आगे बढ़ते हैं, अब्बास आगे बढ़ते हैं, ज़ैनब उम्मे कुलसूम को सवार करते हैं और उम्मे सलमा ने आगे बढ़कर कहा, बेटा हुसैन इस सफर पर मत जा, मुझे रसूल खुदा ने फरमाया था कि मेरा हुसैन कत्ल किया जाएगा और ये खाक मुझे दी थी। हुसैन ने फरमाया, अम्मा उम्मे सलमा इस खाक को भी रख लीजिए, खुदा हुसैन को शहीद देखना चाहता है। जब ये खाक खून में तब्दील हो जाए, समझ लीजिए हुसैन शहीद हो गया। ये कारवान चला
उम्मे सलमा सजदाए इबादत पर बैठ गई, इबादत करती, हुसैन के लिए दुआ करती, खाक पर नजर करती। एक दिन जब वो खून में तब्दील हो गए, यहाँ उम्मे सलमा की फरियाद बुलंद हुई, वहाँ हुसैन शहीद हो गए। ये कारवान जो इस शान से चला था, 11 मुहर्रम ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने दोबारा सवार होना है। एक दफा ज़ैनब ने अपने भैया को देखा, क्या तू मेरा हुसैन है? ज़ैनब को सवार होना है। अब्बास उठकर आया, या ज़ैनब को सवार करो, या इन अशकिया से कहो يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. تمام مؤمنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اس وبا کو جو پوری دنیا پر مسلط ہے इसे रिशकन फरमा. तमाम वो लोग जो मरीज़ हैं उन्हें शफाय आजिल इनायत फरमा. तमाम मोमिनीन को मख़सूसन आज़ादारों को इस वबा से महफूज फरमा. हम सब को इमाम ज़माना अज्जलल्लाह फ़रजहु शरीफ के आवान व अंसार में से करार दे. और निकलने के लिए मैं फिर दरख्वास्त करूँगा कि जिस तरह आपको रज़ाकार हज़रात गाइड करें, उस तरह आहिस्ता आहिस्ता इस हाल को खाली करें. और सबसे पहले बुज़ुर्ग और बच्चे बाहर तशरीफ़ ले जाएं और दोनों दरवाज़ों का इस्तेमाल करें. और अपना बहुत सा ख्याल रखिए. तमाम आज़ादारों को भी अपनी दुआओं में याद रखिए. इमाम ज़माना अज़लल्लाह फ़रजहु शरीफ़ के ज़ुहूर में ताजील के लिए भी आवाज़ बुलंद सलावात.